हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बता दें कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में होंगे कई बड़े बदलाव। हार्दिक पांड्या होंगे दूसरे मैच से बाहर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम को नीदरलैंड के साथ मैच खेलना है। भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ जीत चुकी है। नीदरलैंड के साथ मैच के लिए अब भारतीय टीम सिडनी पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस भी किए हैं। इस नेट प्रैक्टिस में हार्दिक पांड्या के साथ कई अन्य खिलाड़ी मैदान में नहीं दिखे। नीदरलैंड के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या के स्थान पर अन्य खिलाड़ी को कप्तान रोहित शर्मा दे सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, बता दें कि हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के नेट प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक पांड्या समेत कई अन्य खिलाड़ी भी नजर नहीं आए। सिडनी में होने वाले इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या को आराम दिया जा सकता है। हार्दिक पांड्या के स्थान पर टीम में शामिल अन्य खिलाड़ी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं सिडनी में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा ने 2 घंटे तक प्रैक्टिस की है। इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका भारतीय क्रिकेट टीम के नीदरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या के स्थान पर दीपक हुड्डा को मौका दिया जा सकता है। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह नेट प्रैक्टिस के दौरान काफी प्रैक्टिस की है। टीम इंडिया नीदरलैंड के साथ गुरुवार को मैच खेलेगी। वहीं फ्रेंड्स, बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 नीदरलैंड के खिलाफ खेलते दिखाई देगा। टीम इंडिया का ये खिलाड़ी पहले मैच में नहीं मिली थी जगह। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस नीदरलैंड टी20 वर्ल्ड कप। फ्रेंड्स, बता दें कि टीम इंडिया ने अपने पहले अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम इंडिया अपना दूसरा मैच 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों के बीच यह मैच सिडनी में खेला जाएगा। और वहीं फ्रेंड्स, बता दें कि इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मैच में एक ऐसे खिलाड़ी को जगह मिल सकता है जो पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के एक फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने इस मैच में जादुई गेंदबाज युजवेंद्र चहल को जगह नहीं दी थी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 में शामिल होने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मौका मिला सकता है। वहीं फ्रेंड्स, बता दें कि इस खिलाड़ी को कर सकते हैं रिप्लेस। पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने बतौर स्पिनर रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह दी थी, लेकिन अक्षर पटेल इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे। अक्षर पटेल इस मैच में टीम इंडिया के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने एक ही ओवर में बिना विकेट हासिल किए 21 रन खर्च किए। वहीं बल्लेबाजी में भी 2 रन का ही योगदान दे सके। ऐसे में युजवेंद्र चहल आने वाले मैच में उनकी जगह खेलते दिखाई दे सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, बता दें कि टीम इंडिया में अभी तक का प्रदर्शन, युजवेंद्र चहल ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 69 टी20 मैच में खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8.12 की इकोनॉमी से 85 विकेट हासिल किए हैं। युजवेंद्र चहल टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज भी हैं। वहीं फ्रेंड्स, बता दें कि इंडिया के खिलाफ भारतीय की संभावित प्लेइंग 11 रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर रविचंद्र अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।